सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में गोलू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से गोलू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें आज नंदा देवी से सिद्धि नौला तक भव्य झांकी और कलश यात्रा निकाली गई। 5 दिनों तक चलने वाले गोलू महोत्सव में उत्तराखंड के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान से सांस्कृतिक टीमें भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। गोलू महोत्सव का आज विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है और लगभग 5 तारीख से 9 तारीख तक ये यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और हम सबके आस्था का प्रतीक गोलू देवता, जो हमारे न्याय का प्रतीक है, लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए वहाँ पर जाते हैं, अर्जी लगाते हैं और हम सबके आस्था का प्रतीक है। तो इस कहीं ना कहीं जो ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के माध्यम से जहाँ हमारे गोलू का जो महत्व है उसको आम जन तक ले जाने में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, वहीं हमारी संस्कृति से हमको भी विभिन्न प्रांतों के जो लोग हमारे यहाँ पर आए उनसे रूबरू कराएगा। हमारी लोक गाथाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं, लोक गीत हैं, हमारे झोड़े हैं, न्योली है, छपेली है, उस सब से जो हमारी वर्तमान की पीढ़ियों से एक संवाद स्थापित करेगा और मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए ये गोलू महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आयोजक मंडल हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है।